दूसरों को नुकसान पहुंचाए बगैर कामयाब होना ना सिर्फ मुमकिन है बल्कि एक काबिले तारीफ मकसद भी है। यहाँ कुछ उसूल और तर्ज अमल हैं जो आपको मजबूत और अखलाकी तरीके से कामयाबी हासिल करने में मदद कर सकते हैं। जैसे कि दयानतदारी, अपने तमाम अमाल में आला अखलाकी मयारात को बरकरार रखें, दूसरों के साथ अपने मामलात में ईमानदार, शफाफ और काबिल एतमाद बने। एहतराम, सबके साथ इज्जत और वकार से पेश आएं, दूसरों के जज्बात, एहसासात और इनके वजूद और शराकत को पहचानें और उनकी कदर करें। तआवुन, एक बाहमी तआवुन पर मबनी और जामा माहौल को फरोग दें, दूसरों के साथ मिलजुल कर और इज्तिमाई तौर पर काम करने से फ़ायदा उठाने के मौके इस्तेमाल करें। हमदर्दी, दूसरों के जज्बात और नुक्ते नज़र को समझें और उन पर गौर करें। हमदर्दी मजबूत ताल्लुकात इस्तवार करती है और अखलाकी फैसले करने में मदद करती है। मुसलसल सीखना, अपनी ज़ाती और पेशावराना तरक्की में सरमायाकारी करें, अपनी सलाहियतों और इल्म को बढ़ाने, सनत की रुझानात और बेहतरीन तरीकों से आगा रहें। वाज़ह तौर पर अपने अहदाफ की वजाहत करें और इन्हें हासिल करने के लिए एक मंसूबा बनाएं। इस बात को यकीनी बनाएं कि आपके अहदाफ आपके इकतदार के साथ हम आहंग हों और ज़्यादा से ज़्यादा भलाई में हिस्सा डालें। मुआविसलात, मजबूत मुआविसलाती महारतें तैयार करें, वाज़ह तौर पर अपने ख्यालात का इजहार करें, फ़ाल तौर पर दूसरों को सुनें और तनाज़ात को तामीली अंदाज में हल करें। कामयाबी के लिए अक्सर चैलेंजेस को नेविगेट करने और बदले हुए हालात के मुताबिक ढालने की सलाहियत की ज़रूरत होती है। समाजी जिम्मेदारी, मुआशरे और माहौल पर अपने आमाल के वसी असरात पर गौर करें, अपनी कम्युनिटी और दुनिया की मजबूत किरदार अदा करने की कोशिश करें। तवाज़ुन, सेहतमंद काम और ज़िंदगी का तवाज़ुन बरकरार रखें। कामयाबी सिर्फ पेशावराना कामयाबियों के बारे में नहीं है, इसमें ज़ाती तहबूब और तकमील भी शामिल है। याद रखें कि कामयाबी का हुसूल सिर्फ मादी दौलत या पेशावराना कामयाबियों में नहीं होती, एक कामयाब और भरपूर ज़िंदगी में ज़ाती तरक्की, मजबूत ताल्लुकात, दूसरों और दुनिया की भलाई में हिस्सा डालना शामिल है।